अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम बैक विद माय अनदर यूनिट, एंड यूनिट नंबर 1.3.4 नरेटिव टेक्निक। एंड दिस यूनिट एंड दिस पैराग्राफ इज लॉन्गर, दिस यूनिट आई मस्ट से दिस यूनिट इज़ लॉन्गर देन एनी अदर प्रीवियस पैराग्राफ्स एंड यूनिट। सो दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इंटू टू सेक्शंस, एंड further videos will be also divided into many sections, so you will have to be careful to, before listening and before hearing all those videos. So please be attentive and focus on the words, and focus on the be focused on the audio, okay, so that आपको ये समझ में आएगा कि lines क्या कह रही हैं। बहुत ही ज़्यादा important है, इसके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। आई एम सॉरी, पेन इज़ नॉट वर्किंग। इसके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। नरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। नरेशन क्या है? बयान करना, बोलना, बताना, लिखना। जब एक राइटर ऑथर कहानी लिख रहा होता है तो उसको उसको ये आज़ादी है कि या तो वो फर्स्ट पर्सन के तहत कहानी लिखे या तो फिर वो थर्ड पर्सन के तहत कहानी लिखे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक ये हो जाती है कि आसान कर देता है पढ़ने वाले के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। लाइक जे बी गेट्स भी, हमने हमारे लिटरेचर में एक स्टोरी है जे बी गेट्स भी, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें ऑथर ने काफ़ी प्लेफुली वो आज़ादी से उसने जो है राइटर्स को चेंज किया है, सॉरी ऑथर्स को, बताने वाले को चेंज किया है। लाइक हमारा एक शॉर्ट स्टोरी है कंचम्मा, उसमें हमारी, मैं उनका नाम, उसका नाम भूल रही हूँ उस कहानी का, कांथापुरा, आई एम सॉरी, कांथापुरा एक कहानी है जिसमें सेकंड पर्सन नरेटिव टेक्निक है। उसमें एक लेडी है कंचम्मा, जिनका नाम है, एंड कंचम्मा इज़ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट दैट स्टोरी। एवरी पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट, इवन स्मॉलेस्ट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ दैट स्टोरी इज डिस्क्राइब्ड बाय दैट लेडी। सो हम उनकी ज़ुबान से हमें सुनने को मिला है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट अश्योर्ड, दैट थिंग इज़ ऑल्सो नॉट अश्योर्ड। इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल बी कंक्लूडेड दैट द स्टोरी इज़ नॉट अश्योर्ड एट द ब्रिटिश टाइम, एट द वॉट विच टाइप ऑफ थिंग्स, वट विच टाइप ऑफ सराउंडिंग वर देयर, इज दैट ट्रू दैट कंचम्मा इज डिस्क्राइबिंग, दैट इज़ टू ओल्ड, दैट लेडी इज़ टू ओल्ड। सो ये हो जाता है। और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि पढ़ने वाला इंश्योर होता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो नरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम एलिमेंट है शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी में इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि शॉर्ट स्टोरी, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा है कि वो राइटर को अपने वर्ड्स को इकोनॉमिकल रखना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा एवोकेटिव रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसको इस चीज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और पड़ेगा, क्योंकि वो एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहा है, बहुत बड़ी किताब एक नहीं लिख रहा है एक कहानी के बारे में, कि जिसमें वो आज़ाद है, फ्री है, जब चाहे जितने चाहे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। Have you noticed that the most obvious ways to make the story appear lifelike is to tell in the first person? क्या आपने ये notice किया है, जब हम इतनी सारी कहानियाँ पढ़ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि किस तरह से लिखी हुई कहानियाँ और किन लोगों के ऊपर depend करती हुई कहानियाँ कितनी ज़्यादा आसान होती हैं समझने में, ठीक है। यहाँ पे किताब, ये हमें ये किताब ये कह रही है कि क्या आपने ये नोटिस किया है कि बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिरी एक तरीका है कि कहानी को ज़िंदगी से मेल जोल रखते हुए, जब हमें वो कहानी मिलती है कि वो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मेल जोल रख रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें फर्स्ट पर्सन ही बोल रहा होता है, ठीक है। दिस एंश्योर्स इंटीमेसी एंड इमीडिएसी, ये हमें इंश्योर कर देती है फौरी तौर पर बेताल्लुकी से, ठीक है, फौरी तौर पर एक तरह की कुर्बत देती है, सॉरी बेताल्लुक ही नहीं है यहाँ पे, इंटीमेसी यानी कि कुर्बत देती है, करीब कर देती है पढ़ने वाले को, कहानी से बहुत ज़्यादा करीब कर देती है फौरी तौर पर। मेकिंग इट ईजियर फॉर द रीडर टू आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर। रीडर क्या है, ये जो तरीका है फर्स्ट पर्सन के तहत कहानी कहने का, वो रीडर को करीब कर देता है कैरेक्टर को पहचानने में। इतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल हो जाता है रीडर कि वो कैरेक्टर को आसानी से पहचान लेता है। ये वीडियो यहीं तक रहेगी, और थर्ड पर्सन नैरेटिव टेक्निक जो है वो मैं आपको आगे वाले आने वाली वीडियो में बताऊँगी। इतना आज के लिए काफ़ी है, और मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में।
सो प्लीज़ कम टू माई कमेंट सेक्शन. इफ़ आई एम लैकिंग समवेयर देन यू कैन ऑल्सो टेल मी. इफ़ यू नीड समथिंग देन यू कैन ऑल्सो टेल मी. प्लीज़ कम टू माई कमेंट सेक्शन एंड टेल मी. दैट विल बी ईजी फॉर बोथ ऑफ अस. एंड एट द एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दैट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द इग्नो स्टूडेंट्स. ओके सो दिस इज लाइक help for them. I'm just giving something to those persons who are helpless, totally helpless to get these books or to get the lecture. क्योंकि इग्नो की lectures भी हमें बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं. I'm also the student of इग्नो university. That's why I'm saying. Okay, जज़ाकअल्लाह.